शहर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पिंजौर पुलिस प्रशासन द्वारा सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों के प्रति सख्ती बरती जा रही है। पिंजौर थाना प्रभारी रामपाल सिंह अपनी टीम के नेतृत्व में पिंजौर बस स्टैंड टी पॉइंट पर नाके लगाकर आने जाने वाले वाहन चालकों से पूछताछ और गहन चेकिंग करते हुए बिना मास्क करीब 45 लोगों के चालान काटे गए। इसी संदर्भ में मंगलवार को निर्धारित समय के बाद भी जो दुकानें खुली पाई गई उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया और बाजार के दुकानदारों के साथ एक मीटिंग करते हुए कालका उपमंडल नागरिक अधिकारी के आदेश अनुसार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया और निर्धारित समय के बाद खुलने वाली दुकानों के चालान काटे जाएंगे और ये खुलने वाली दुकानें सिर्फ जरूरी सामान की ही दुकानें होंगी। पिंजौर थाना प्रभारी रामपाल सिंह ने बताया कि इस संकट की घड़ी में लोगों को पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जो लोग बिना मास्क लॉकडाउन के दौरान बेवजह इधर उधर घूम रहे हैं वे अपनी जान को जोखिम में तो डाल ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपने परिवार व आसपास के लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। इसी को लेकर उन्हें पहले प्यार से समझाया जा रहा है, फिर चालान काटकर जुर्माना लिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बेवजह बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें और मास्क पहने, क्योंकि सतर्क रहकर ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। आज ये चालान कर रहे किस चीज के किए जा रहे सर? बिना कब डाउट मास्क के और लोगों के जो भी वैसे बिना परमिशन घूम रहे उनके चालान किए जा रहे हैं। और सर जैसे कि कोई नहीं मान रहे उनके लिए फिर सर क्या सख्त क्या है सर इसका? उनके खिलाफ या तो जो विदाउट मास्क है मास्क चालान कर रहे हैं और वैसे कोई विदाउट परमिशन घूम रहा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और सर ये दुकानों के टाइमिंग का क्या रखा गया? टाइमिंग का कल इनकी एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, इन्होंने उसमें टाइमिंग 11 से 2 का रखा है, उसके बाद दुकानें पर फोन करेगी हम बंद कर देंगे, यही फैसला हुआ। कल हम एक दो दुकानदार को खा के ले आए थे थाने में मुकदमा दर्ज करेंगे, वैसे तो इनके बंदे इकट्ठे हो गए सारे, उन्होंने यही फैसला करा कि हम 11 से 2 तक खुली रखेंगे। बंद तो दुकानों में उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, बाकी बंद हैं दुकानें, फ्रूट की दुकानें और दूध की थोड़ा लेट।